अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चिल्ली, कोई मेरी अम्मी जान के स्टाइल में। उसके लिए हमने 1 किलो बोनलेस चिकन ले लिया है। इसे हम स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे। फिर उसमें हम 1 टीस्पून भर कर नमक डालेंगे, 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 3 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे ताकि जो हमारी चिकन है वो अच्छे से क्रिस्पी जैसे बने। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम मैरिनेट करने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। अब हमने इसे मैरिनेट करने के लिए रख दिया है। हमारा चिकन अच्छे से 1 घंटे के लिए हमने रख दिया था, उसे अच्छे से हमने मैरिनेट कर लिया है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालकर हम अपनी चिकन को फ्राई करेंगे। चिकन को लाइट गोल्डन होने तक हमें फ्राई करना है, वो भी लो फ्लेम पे, ताकि हमारी चिकन अच्छे से पक जाए। अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। उसके लिए हम चॉप किए हुए लहसुन ले लेंगे, 1 छोटा सा प्याज ले लेंगे, उसे भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। जो कांदे की भाजी होती है उसका हम ऊपर का कांदा ले लेंगे, उसे हम डाइस में कट कर लेंगे। शिमला मिर्च लेंगे, उसे भी हम स्लाइट में कट कर लेंगे, मतलब स्ट्रेट हमें कट करना है उसे। और हम जो वो पत्ती की भाजी, वो जो कांदे की भाजी है उसका हम लीव्स ले लेंगे, भाजी ले लेंगे। हम चिकन को उलट पलट के अच्छे से पका लेंगे दोनों तरफ से, ताकि थोड़ा जब तक वो लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाता। हमारी चिकन अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम एक प्लेट में इसे अलग से निकाल के रख देंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है, ये ब्राउन हो चुकी है। बस इतने ही इसमें हमें इसे निकाल देना है, इससे ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है। ये ऑलमोस्ट हमारी 90% कुक हो चुकी है। दिखने में एकदम यम्मी लग रही है ना फ्रेंड्स। एकदम क्रिस्प से बने हैं हमारे चिकन में। अभी हम उसी जो तेल हमारा बचा हुआ था उसी के अंदर हम शिमला मिर्च फ्राई करेंगे। ये हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसे फ्राई करना है, ताकि जो हमारी शिमला मिर्च है वो उसी तेल के अंदर अच्छी खुशबू से एकदम मस्त फ्राई हो जाए। बस 2 से 3 मिनट हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब हम उसी प्लेट में हम इसे निकाल लेंगे। अब उसी सेम ऑयल में जो हमारे डाइस किए हुए कांदा था, प्याज का कांदा, उसे हम इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इससे क्या है ना फ्रेंड्स कि हमारा ये जो तेल है वो भी वेस्ट नहीं होगा, और साथों साथ जो चिकन की जो मसाले की सब खुशबू है वो सब भी इसके अंदर आ जाएंगे अच्छे से, और ये थोड़ा थोड़ा हमारा क्रिस्पी जैसा कांदा तैयार भी हो जाएगा। बस ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए हमारे कांदा, जो डाइस किया हुआ कांदा है और जो हमारी शिमला मिर्च है, वो दोनों हमने फ्राई कर दिए हैं। अब हम कढ़ाई लेंगे, उसी कढ़ाई के अंदर जो हमारा एक्सेस ऑयल बचा हुआ था चिकन का वो हम इसमें डाल चुके हैं। इसे हम गरम करने देंगे और फिर इसके अंदर हम लहसुन हमारे जो बारीक चॉप किए हुए हैं वो हम इसमें डाल देंगे। लहसुन को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का ब्राउन हो जाए उतना ही हमें पकाना है। अब हम इसमें जो चॉप किए हुए बारीक कांदा था वो हम इसमें डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे
अच्छे से इसे मिक्स करके फ्राई करते रहेंगे। बस ये भी 2 से 3 मिनट करना है, हमें ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून से भी थोड़ा कम हम अजीनोमोटो डालेंगे। ये क्या अजीनोमोटो हमारे चाइनीज़ में हमें डालने से क्या उसका इन्हेंस करता है टेस्ट। और हम 1 टीस्पून के आसपास हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। एक चम्मच वो एक और एक से थोड़ा ज़्यादा हम ग्रीन चिल्ली डालेंगे। ग्रीन चिल्ली हमारी मतलब हरी मिर्ची हम चॉप किए भी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चाहे तो ग्रीन चिल्ली जो हमारी हरी मिर्ची होती है उसे हम स्लाइड करके भी बीच में से मतलब कट करके भी हम इसे डाल सकते हैं। अब हम सॉसेस की तैयारी कर लेते हैं। ये हमने चिकन चिल्ली का मसाला ले लिया है, चिंग्स का मैंने लिया है। आप चाहे तो कोई और भी मसाला ले सकते हैं, कोई और बेस का। हमने 2 टीस्पून विनीगर डाल दिया है, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस दिया है और 1.5 टीस्पून सोया सॉस डाल दिया है। सब सॉसेस को अच्छे से हम मिला लेंगे। हम मिलाने के बाद इसमें हमारी जो कढ़ाई में जो मसाला है उसमें हम ये मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से पकने देंगे जब तक एक बार इसका बॉईल नहीं आ जाता। आप नमक डाल दीजिए अपने टेस्ट के हिसाब से। नमक कम डालना क्योंकि सॉसेस में भी नमक होते हैं और जो हमने चिकन का मसाला डाला है चिंग्स का उसमें भी काफ़ी नमक होता है। अगर आपके पास चिकन मसाला नहीं है तो आप उसके बदले आप अपना चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। मेरे पास चिकन क्यूब्स नहीं था इसलिए मैंने मसाला डाला है। फिर हमारा जो फ्राई किया हुआ चिकन है वो हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कीजिए। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी का कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी आई है, इतनी थिक हुई है। हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरीके से मसाले के साथ चिकन को भून लेंगे अच्छे से, ताकि सॉसेस वगैरह के सब एक साथ हमारे चिकन में मिल जाए। हम अपना लिड बंद कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए स्लो पे पका लेंगे। मैं काली मिरी डालना भूल गई थी इसलिए मैं ये टाइम पे काली मिरी डाल रही हूँ 1 टीस्पून। अगर आप चाहे तो फर्स्ट स्टार्टिंग में ही आप काली मिरी डाल दीजिए जब आप हरी मिर्ची वगैरह सब डालते हैं। इसे अच्छे से मिला लीजिए। अब जो हमने अपनी शिमला मिर्च प्याज फ्राई किया था वो सब हम इसमें डाल देंगे। हमें उसे पकाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी पका हुआ है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अब जो प्याज की पत्ती है वो भी हम आखिर में डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना यम्मी और कितना टेस्टी दिख रहा है दिखने में। अगर इससे ज़्यादा तो आपको कॉर्नफ्लावर वगैरह डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। देखिए अपने आप ही ये पूरा अपना कंसिस्टेंसी एकदम ठीक हो चुकी है इसकी। आप इसे गर्मा गर्मा सर्व कीजिए नान के साथ, पाव के साथ, ब्रेड के साथ। बहुत ही यम्मी बनती है ये। प्लीज़ फ्रेंड्स ये ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पे और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।